Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, आज हम पृथ्वी हमारा आवास की बुक पढ़ेंगे. पृथ्वी हमारा आवास की बुक में हम एक से लेकर चार चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हमने चैप्टर वन और टू पढ़ा था तब हम लोगों ने सिर्फ पीडीएफ भेजी थी आप लोगों के पास, कोई वीडियो नहीं बनाए थे वेकेशन से पहले. तो बेटा आज हम इस चैप्टर को दोबारा से देखते हैं. देखिए आप, सौर मंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर है ये सौर मंडल में पृथ्वी. सौर मंडल क्या है? सूर्य का परिवार, ठीक है. और सूर्य के परिवार में पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में हम बात करेंगे. पृथ्वी एक ग्रह है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है. आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते. कह रहे हैं कि आसमान में क्या होता है, जब रात होने लगती है संध्या के बाद, हम देखते हैं कि आसमान में हमें एक दो चमकते बिंदु नजर आने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता चला जाता है इन बिंदुओं की संख्या बढ़ जाती है और पूरा का पूरा आकाश जो है इन चमकते हुए बिंदुओं से भर जाता है. आप उनकी गणना नहीं कर सकते, इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हम इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते. पहले तो हमें एक दो तीन चार हमने आकाश में तारों को गिनना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा जितना अंधेरा होता चला गया तारे हमें और साफ नजर आने लगे और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि अब हम उनकी गणना भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उनकी संख्या कितनी है हम कभी काउंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तारे क्या है, असंख्य है, ठीक है. संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले. कुछ तारे तो हमें बहुत चमकते हुए नजर आते हैं और कुछ धुंधले. ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि कुछ तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं और कुछ तारे हमसे इतनी दूर नहीं है जितने की वो तारे थे. मतलब दो तारे यदि हम लें, एक तारा हमें चमकता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा हमें धुंधला दिखाई दे रहा है. मीन्स चमकता हुआ तारा और जो वो धुंधला वाला तारा है ना, उनका डिस्टेंस हमारे से डिफर है. जो धुंधला तारा है वो हमसे और बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन जो चमकता हुआ तारा है वो उतना दूर नहीं है जितना कि वो धुंधला तारा था, ठीक है. मानो आकाश में हीरे जड़े हों. रात को जब हम आकाश को देखते हैं, बिल्कुल साफ आसमान जब हो, जब आकाश में बादल नहीं छाए हों, यदि हम आकाश को देखें तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि उसके अंदर हीरे जड़े हों, क्योंकि छोटे छोटे बिंदुओं से पूरा आकाश भर जाता है. इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनकी टिमटिमाहट अन्यों से अलग है. ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं. इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं. चमकीली वस्तुएं तो हम देख रहे हैं, ये चमकीली वस्तुएं तो क्या है, तारे हैं, लेकिन जो चंद्रमा है इसके साथ साथ हम आकाश में चंद्रमा को भी देखते हैं. यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में नजर आता है. आप पूर्ण चंद्र को यानी कि पूरे चंद्रमा को महीने में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं. महीने में सिर्फ एक ही बार, एक ही दिन ऐसा होता है जब हमें आकाश में पूरा चंद्रमा नजर आता है, और वो दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा का, ठीक है. 15 दिन के बाद आप नहीं देख पाते इसे, लेकिन पूर्णिमा के 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख पाते. चंद्रमा हमें आकाश में नजर ही नहीं आता, वो दिन होता है अमावस्या का, ठीक है. इसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या भी कहते हैं. मीन्स जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गया, चंद्रमा दिखाई ही नहीं दिया आकाश में, वो अमावस्या की रात थी, उसे हम अमावस्या भी बोल सकते हैं और नए चंद्रमा की रात्रि भी बोल सकते हैं. नए चंद्रमा की रात्रि इसलिए कहा क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, और अमावस्या के अगले दिन से चंद्रमा हमें छोटा छोटा सा नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो मतलब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है अमावस्या के बाद, तो चंद्रमा, इसलिए हम इसे नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं. ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं. ऐसी रात, एक ऐसी रात जिसमें आसमान बिल्कुल साफ हो, आसमान में कोई बादल नहीं छाए हो, ठीक है, उस वक्त हम आसमान का अवलोकन यानी कि हम आसमान की अच्छी तरीके से देखकर उसकी जांच कर सकते हैं, और हम क्या देखेंगे, आकाश में असंख्य तारे और चंद्रमा हमें नजर आएगा.
क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा वे इन छोटे छोटे चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। जब दिन होता है, सूर्य की रोशनी होती है, तो ना तो हमें चंद्रमा नजर आता है और ना ही आकाश में ये छोटी छोटी चमकती चीजें जो तारे हैं वो हमें नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। कि रात्रि में अंधेरा होता है, हम इन वस्तुओं को देख पा रहे हैं, लेकिन दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हमें वो छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक टॉर्च ले लीजिए, ठीक है? आप टॉर्च लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा पेपर ले लीजिए, और उसमें ना छोटे छोटे छेद बना लो आप सुई से। आपने छेद बनाए और टॉर्च के ऊपर हमने उस कागज को रखा और उसके ऊपर रबड़ लगा दिया हमने, ठीक है? अब हम दिन के समय जब उस टॉर्च को हम अपनी दीवार पर करेंगे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो टॉर्च से जो छोटी छोटी लाइट्स निकल कर आएंगी उन छेद से, वो हमें नजर नहीं आएंगी। लेकिन यदि वहीं पर हम रात्रि में देखेंगे, या ऐसा रूम जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा हो, यदि हम उसमें वहां पर जाकर उस टॉर्च को जलाएंगे तो टॉर्च की रोशनी हमें नजर आएगी, क्योंकि हमने उसके ऊपर पेपर लगाया है और उस पेपर पर छोटे छोटे छेद है। इस कारण उन छोटे छोटे छेदों से निकलकर वो रोशनी जो है दीवार पर पड़ेगी और ऐसा लगेगा जैसे कि छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं। उसी तरीके से बेटा, जब रात हो जाती है तो जो रात्रि के समय सूर्य का प्रकाश तो होता ही नहीं, इस कारण अंधेरे के कारण वो छोटी छोटी चीजें हमें नजर आती हैं और दिन के समय हम उन्हें नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप लगाइए आपके घर की विंडो, ठीक है? आपके घर की विंडो, सभी के घर विंडो है। अगर हम विंडो के बाहर की तरफ खड़े हैं और हमारी विंडो पर जाली लगी हो, नेट लगा हुआ है, हमारी विंडो पर जाली लगी हुई है और हम दिन के समय अपने विंडो से अंदर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा प्रकाश है ना, बहुत ज्यादा प्रकाश है तो हम अंदर की तरफ नहीं देख पा रहे, ठीक है? लेकिन यदि हम अंदर खड़े हैं तो अंदर से हम प्रकाश की तरफ देख पा रहे हैं। उसी तरीके से क्या होता है, क्योंकि जब दिन होता है तो दिन में बहुत प्रकाश होता है, हमें वहां से क्या होता है, वो छोटी चमकती चीजें जो है उस अंधेरे के अंदर वो हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन यदि रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय हम क्या करते हैं, जब हम अपने रूम के अंदर हैं, हमने अपनी लाइट ऑन कर ली, जैसे ही हमने लाइट ऑन की तो हमें बाहर का दिखना बंद हो गया, ठीक है? लेकिन अब हम अगर बाहर जाकर अपनी विंडो से देखेंगे तो हमें पूरा का पूरा नजर आ रहा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिन के समय जब हमने अपनी ऐसी विंडो जिसमें जाली लगी हुई थी उसमें जब हमने बाहर जाकर रूम के अंदर झांकना चाहा तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन उसी विंडो को जब हमने रात के समय बाहर से देखा, क्योंकि रूम में लाइट जग रही थी, तब हमें सब कुछ नजर आने लगा उस रूम में क्या है। उसी तरीके से जब आकाश में छोटे छोटे से तारे चमकते हैं रात्रि के समय, तो उस समय क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है और वही छोटी चमकती चीजें हैं जो हमें नजर आ रही हैं। लेकिन जब दिन हो जाता है तो दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना अधिक हो जाता है कि वो छोटे छोटे बिंदु उसमें दिख ही नहीं पाते। जिस तरीके से जैसे कि हमने टॉर्च पर पेपर लगाया और पेपर लगाकर अगर हमने कमरे में बिल्कुल लाइट बंद कर दी, कमरे की विंडो बंद कर दी, तो वो हमें छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे थे। लेकिन हमने अपनी विंडो ओपन कर दी, लाइट ऑन कर दी, उसके बाद वो छोटे छोटे बिंदु हमें नजर आने बंद हो गए, क्योंकि रूम में बहुत ज्यादा रोशनी हो चुकी थी जिसके कारण वो छोटे बिंदु दिखाई नहीं दे रहे थे। ये एक्टिविटी आपके साइड में भी दे रखी है, आप इसे पढ़ लीजिए। आगे देखिए, चलिए हम इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। कागज के मध्य टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा हो। कागज रख दिया टॉर्च के ऊपर, कांच और कागज बिल्कुल टच कर दिए। अब टॉर्च के चारों ओर एक वृत्त खींच लीजिए, एक सर्कल बना दिया हमने। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करो। जो सर्कल बन गया, वृत्त बन गया, उसमें हमने छोटे छोटे सुई से छेद कर लिए। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच के सामने रखा हमने, कांच के सामने रखा, हम उसे पेस्ट कर सकते हैं या रबड़ बैंड से टाइट भी कर सकते हैं, और टॉर्च के चारों तरफ उस कागज को लपेट कर एक रबड़ बैंड लगा दो। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे, क्योंकि हमें स्विच ऑन भी करनी पड़ेगी। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की तरफ मुंह कर आप इस टॉर्च को कुछ दूरी पर लेकर खड़े हो जाएं और सारी लाइट्स बुझा दें, तो आप देखेंगे टॉर्च की रोशनी दीवार पर जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि दीवार पर अनेक छोटे छोटे बिंदु दिखेंगे, क्योंकि हमने उसने कागज पर छोटे छोटे छेद किए थे,
बिल्कुल वैसे ही रात के समय आकाश में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी लाइट्स को जगा दीजिए, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे, वो छोटे बिंदु हमें नजर ही नहीं आएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्य उदय के बाद बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं खगोलीय पिंड की। खगोलीय पिंड क्या होते हैं बेटा? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आकाश में चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य तो चमक रहा है आकाश में, चंद्रमा भी चमक रहा है, और सभी वस्तुएं, तारे हैं, ये सब चीजें हमें क्या, इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा भी कहते हैं। और बेटा जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है। तो बेटा आज हमने बात की तारे। तारे कितने हैं? आसमान में असंख्य तारे हैं। पूर्णिमा पर पूरा चंद्रमा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। और रात्रि के समय तारे क्यों दिखाई देते हैं इसके बारे में भी हमने जाना है। और साथ साथ हमने बात की है खगोलीय पिंडों की कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आकाश में चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। और इनमें से बहुत सारे खगोलीय पिंडों का अपना ही प्रकाश होता है जिसे वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं या उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश निकलता है। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो बेटा आज आप इसे इतना ही चैप्टर हम पढ़ेंगे। आप इसे अच्छे से रीड कीजिए अपनी बुक में और अच्छे से रीड कर ना बेटा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके।